भारत हमारा देश है, लेकिन हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहां भारतीयों का जाना ही मना है। जी हां, आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर भारतीयों के अलावा हर कोई जा सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि इन 5 स्थानों पर भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। इन स्थानों के मालिक इंडियन हैं और वही इन स्थानों को चलाते भी हैं, जहां केवल विदेशियों को ही जाने की अनुमति है। तो आइए जानते हैं उन 5 जगहों के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं theladdu.com। सबसे पहले नंबर पर है ऊनो इन होटल बैंगलोर। ये होटल बेंगलुरु में 2012 में केवल जापानी लोगों के लिए बनाया गया था। हालांकि ये जल्द ही बंद हो गया था। साल 2014 में जब ये लोकप्रिय होटलों में एक था, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से इसे भेदभाव और जातिवाद मामलों की वजह से बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन द्वारा बंद करवा दिया गया। दूसरे नंबर पर है फ्री कसौल कैफ़े। फ्री कसौल कैफ़े के इस नाम पर आप बिल्कुल भी मत जाइए। ये कैफ़े अपने नाम से बिल्कुल परे है। कसौल, जहां लोग शांत वातावरण का मज़ा लेने और अपनी थकान भरी दुनिया से दूर चिल करने के लिए आते हैं, भारतीयों और विदेशियों दोनों की मनपसंद जगह है। पर इन सब के बीच यहां फ्री कसौल कैफ़े नाम की ये जगह लोगों के बीच राष्ट्रीयता के हिसाब से भेदभाव करती है। यहां अंदर जाने से पहले आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है कि कहीं आप भारतीय तो नहीं। सचमुच आज के ज़माने में भी ऐसी भेदभाव वाली मानसिकता मौजूद है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है गोवा का फॉरेंस ओनली बीच। गोवा के कुछ बीच के मालिक सरेआम भारतीयों और विदेशियों के बीच भेदभाव करते हैं। वो इस बात को सही साबित करने के लिए तर्क देते हैं कि वो विदेशी यात्रियों जो बीच के कपड़ों में वहाँ आराम करते हैं, उनकी वे कामुक भरी नज़रों से रक्षा करते हैं। यहाँ भारतीयों को जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं चेन्नई में बसे हुए कुछ लॉज। हाईलैंड नाम से मशहूर चेन्नई के ये लॉज उन लोगों को ही अंदर आने की अनुमति देते हैं जिनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है, मतलब जो विदेश के रहने वाले हैं, बस उन्हें। यहाँ भारतीयों के प्रवेश का वर्जित होने वाला नियम सख्ती से लागू किया जाता है। पर अगर हाँ, किसी भारतीय के पास विदेशी पासपोर्ट है तो वो इस लॉज में आ सकता है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही जाती है भारतीयों के साथ? आज की लिस्ट का आखिरी नाम है पौंडीचेरी के फॉरेंस ओनली बीच। गोवा के बाद पौंडीचेरी ही एक ऐसी जगह है जहां लोग बीच में छुट्टियों का मज़ा लेने आते हैं। यहां के प्राचीन समुद्री तट, जहां फ्रेंच और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण आपको एक साथ देखने को मिलेगा, भारतीयों और विदेशियों दोनों को ही लुभाते हैं। पर गोवा की तरह यहाँ भी कई बीच ऐसे हैं जहाँ भारतीयों का जाना बिल्कुल ही वर्जित है। तो ये भारत के कुछ ऐसी जगह जहाँ भारतीयों के जाने पर है सख्त मनाई। क्या लगता है आपको? इन जगह और इन नियमों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर हम आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।